और पीकॉक को किया ऑल आउट सांगर ने, अब होगा दमादम मस्कलंदर। वेल डन नोमान अली, जो पहली दफा इंटीरियर सीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपने डेब्यू टेस्ट मैच में। इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस अहम थी उसमें फवाद आलम, अजहर अली और यासिर शाह। फवाद आलम जिन्होंने मेरी अंडर दी कोचिंग अपनी क्रिकेट शुरू की और आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो मैं समझता हूं बहुत ही खुशी का मुकाम है और उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं इस वक्त अमेरिका में हूं, मगर जब भी आऊंगा तो फवाद आलम आप पे ड्यू है ट्रीट। और उसके साथ साथ पाकिस्तान यकीनन इस सेलिब्रेट करेगा इस विक्ट्री को करे, और जो टेलेंडर ने रोल किया वो बहुत अहम था इस मैच को जिताने के लिए। तो इन्जॉय करें पाकिस्तान, मगर जल्दी ही वापस फोकस करें अपने सेकंड टेस्ट पे। वेल डन पाकिस्तान, जलालुद्दीन एक्स पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल 4 कोच, 1 मिनट क्रिकेट एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।